मेरे विद्यार्थियों, आरसीआई जो हब 500 की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिजिक्स में पढ़ने जा रहे हैं फोटोन की अवधारणा कि जो हमारा फोटोन जो कण होता है उसका अवधारणा क्या है, उसके बारे में किस किस वैज्ञानिक ने क्या क्या विचार दिए, क्या क्या विचार रखे उन्होंने, तो आज हम उस फोटोन की अवधारणा क्या है हम उसके बारे में समझने जा रहे हैं, अध्ययन करने जा रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम समझते हैं फोटोन क्या है। सन 1900 की बात, सन 1900 के अंदर कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरण, ये एक विकिरण स्रोत होता है, इस कृष्णिका से उत्सर्जित होने वाले विकिरण, बाहर निकलने वाले विकिरण, विकिरणों से बनने वाले स्पेक्ट्रम, यानी सन 1900 ईस्वी के अंदर कृष्णिका एक विकिरण स्रोत होता है, तो इससे निकलने वाले विकिरणों या इससे उत्सर्जित होने वाले विकिरणों के से बनने वाले स्पेक्ट्रम के बारे में, इनसे बनने वाले स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए मैक्स प्लांक नामक वैज्ञानिक ने, जी हाँ, मैक्स प्लांक नामक वैज्ञानिक ने एक अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया, एक सिद्धांत दिया जिसको क्वांटम सिद्धांत भी कहते हैं। यानी सबसे पहले सन 1900 के अंदर कृष्णिका से उत्सर्जित होने वाले विकिरणों से बनने वाले स्पेक्ट्रम के बारे में, स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए मैक्स प्लांक नामक वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत दिया। तो वो सिद्धांत क्या है, उन्होंने जो सिद्धांत दिया उस सिद्धांत को क्वांटम सिद्धांत भी कहते हैं। आप समझते हैं उस सिद्धांत क्या है, तो इस सिद्धांत के अनुसार ये बताया जाता है कि जो विकिरण होते हैं ये विकिरण सतत न होकर, यानी ये जो विकिरण होते हैं ये विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन, ये जो विकिरण होते हैं ये ऊर्जा का उत्सर्जन या ऊर्जा का अवशोषण सतत रूप से न करके विविध रूप से ऊर्जा के बंडल के रूप में करते हैं। उन्होंने ये बताया कि विकिरण जो ऊर्जा है उसका जो उत्सर्जन, जो उसका उत्सर्जन होता है या जो इन विकिरणों का जो अवशोषण होता है, वो उत्सर्जन या वो अवशोषण सतत रूप से न होकर विविध रूप से या ऊर्जा के बंडल के रूप में होता है। कहने मतलब ये है, इन्होंने ये बताया कि जो इन विकिरणों से जो स्पेक्ट्रम्स बनते हैं वो सतत न बन करके एक ऊर्जा के बंडल के रूप में होते हैं, एक ऊर्जा के पैकेट के रूप में पाए जाते हैं। फिर सन 1905 के अंदर आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने मैक्स प्लांक की क्वांटम सिद्धांत की सहायता लेते हुए इन्होंने ये कहा कि जो विकिरण होते हैं ये विकिरण ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या छोटे छोटे पैकेट के रूप में पाए जाते हैं। विकिरण, ये विकिरण ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या छोटे छोटे पैकेट के रूप में पाए जाते हैं, इनको फोटोन कहा जाता है। तब समझ गए फोटोन क्या है, फोटोन एक ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या पैकेट रूप में पाए जाते हैं, यानी फोटोन ऊर्जा के समूह होते हैं। क्या होते हैं, ऊर्जा के छोटे छोटे समूह होते हैं। ये बात किसने कही, ये बात कही आइंस्टीन ने। जबकि मैक्स प्लांक ने क्या बताया, उसने बताया कि जो विकिरण होते हैं इन विकिरणों का उत्सर्जन या इनका अवशोषण एक के लगातार न होकर के एक विविध ऊर्जा के बंडल के रूप में होता है। ये बात कही थी मैक्स प्लांक ने, और उन्होंने ये बताया कि ये जो विकिरण होते हैं ये ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या पैकेट रूप में पाए जाते हैं, इन पैकेटों को, इन बंडलों को ही फोटोन कहा जाता है। तो आप समझ गए फोटोन एक प्रकार की ऊर्जा के रूप में होते हैं, ये फोटोन द्रव्य कण नहीं होते,
बल्कि ऊर्जा से संबंधित कण होते हैं। फोटोनों का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। फोटोन विद्युत के उदासीन होते हैं और जो इनकी ऊर्जा है फोटोन की, वो फोटोन की ऊर्जा ई उनकी ऊर्जा के समानुपाती होती है। अगर हम फोटोन की ऊर्जा तो अगर हम उसकी आवृत्ति में ग्राफ बनाए तो ये ग्राफ इस तरह से बनता है। माना इधर तो ऊर्जा है फोटोनों की और ये उनकी आवृत्ति है, तो इनमें इस तरह का एक सीधी रेखा इनके मध्य प्राप्त होती है E समानुपाती B, तो ये इनके मध्य ग्राफ प्राप्त होता है। अब यहां पे जब इसको अठाई दिया जाएगा एच E बराबर जाएगा एच न्यू, जब एच क्या है प्लांक नियतांक के न्यू फोटोनों की आवर्तित E फोटोनों की ऊर्जा है। अपन जानते हैं भाई न्यू बराबर क्या होता है सी अपॉन लैम्डा, तब यहां से न्यू का मान यहां रख दे तो यह आ जाएगा E बराबर, माना इसको नंबर हम एक मान ले समीकरण, यहां से E बराबर क्या आ जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा E बराबर। अब तो यहां ऊर्जा में और हम अगर तरंग दैर्ध्य में ग्राफ बनाए, चूंकि तरंग दैर्ध्य पट्टी में है इन दोनों में व्युत्क्रम संबंध पाया जाता है। ये संबंध कैसा था, ये संबंध था समानुपाती का और ये संबंध है व्युत्क्रमानुपाती का। अगर हम ऊर्जा में और अगर हम तरंग दैर्ध्य में ग्राफ खींचे तो बस इनमें ग्राफ इस तरह का आएगा, इनमें इस तरह का ग्राफ बनेगा, इस तरह ढाल प्राप्त होगा E समानुपाती वन अपॉन लैम्डा इस तरह का। तो ये था E बराबर एच सी अपॉन लैम्डा इसका जो मान है। अगर हम यहां से चाहे तो लैम्डा का मान निकाल भी सकते हैं यहां से, तो यहां से लैम्डा मान क्या जाएगा, यहां से जाएगा लैम्डा बराबर एच सी अपॉन ई। अब हम जानते हैं अपन ने एक समीकरण पढ़ते हैं आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध या द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, वो E बराबर भाई क्या होता है एम सी स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है E बराबर एम सी स्क्वायर। अपन ये मान रख देंगे दिया जाएगा लैम्डा बराबर एच सी अपॉन E का मान रख दो एम सी स्क्वायर, सी सी काट दो तो लैम्डा इक्वल, तो यहां से देखो कि लैम्डा बराबर यहां से क्या बच गया, ये लैम्डा इक्वल यहां से वही बच गया एच अपॉन एम सी, एच अपॉन एम सी। अब चूंकि पी बराबर क्या होता है पी सामने को हो गया, तो जो कि एम द्रव्यमान सी वेग, तो हम जानते हैं कि द्रव्यमान गुणा वेग क्या होता है संवेग, तो यहां एम सी का मान क्या हो गया पी के बराबर, पी हो गया फोटोन का संवेग, यहां से लैम्डा इक्वल भाई क्या आ गया एच अपॉन पी आ गया, तो ये संबंध आ गया तरंग दैर्ध्य में और फोटोनों के संवेग के अंदर। यहां पी फोटोनों का संवेग है, यहां लैम्डा तरंग दैर्ध्य है, यहां एच प्लांक नियतांक है, ये इनमें संबंध आ गया। तो आप समझ गए होंगे फोटोन के बारे में, यानी फोटोन को लास्ट में निर्णय क्या निकला कि फोटोन को एक ऊर्जा का रूप करार दिया गया कि फोटोन एक ऊर्जा के रूप में होता है, ये ऊर्जा के पैकेट के रूप में होता है, फोटोन द्रव्य कण नहीं होता बल्कि ऊर्जा से संबंधित कण होता है, फोटोन एक उदासीन कण होता है, इसका विराम द्रव्यमान शून्य होता है। तो ये हमने इसके बारे में अध्ययन किया था फोटोन के बारे में, हमने ग्राफ बनाए ऊर्जा आवृत्ति के मध्य, ऊर्जा तरंग दैर्ध्य के मध्य, और ये हमने संबंध प्राप्त किया फोटोन का तरंग दैर्घ्य और संवेग के मध्य, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में